नमस्कार, मैं हूं रोशनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनगर में बने देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र के नाम समर्पित किया। मल्टी मॉडल टर्मिनल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गंगा में बने जेटी पर उतरा। यहां से वो पैदल चलते हुए बदगाह के टर्मिनल तक पहुंचे। उनके साथ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन को भी देखा। इससे पहले वाराणसी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सत्यपाल सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जयपुर स्थित पीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें सुरजेवाला में जन समस्याओं को मुद्दा लेकर बीजेपी पर हंगामा बोला। साथ ही उन्होंने देर शाम तक कांग्रेसी की पहली सूची करने की भी संकेत दिए। वर्षों में राजस्थान का नौजवान, राजस्थान का के युवक और युवती बेरोजगारी के चलते अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस करते हैं। किसी साथी ने अभी जब मैं आ रहा था तो कहा, तो मैंने उस लाइन को पहले ही अपनी पत्रकार वार्ता की जो पहली लाइन है उसमें लिखकर प्रेस विज्ञप्ति में भेजा। उसने कहा, साहब आलम ये है कि राजस्थान के युवाओं को तो है नौकरी की दरकार, पर मोदी जी और वसुंधरा जी चला रहे हैं पान पकोड़ा सरकार। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और केवल जीतने वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाकर भाजपा इस बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है। पार्टी केवल और केवल विकास के मुद्दे को लेकर जनसमर्थन मांगेगी। हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित ने खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। 131 जो है लोगों की सूची जो विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे साथ में है चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत जी, ये जो सूची जारी हुई है किस तरह से देखते हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया है, क्या सोचते हैं, किस तरह से देख रहे हैं सूची जारी? मैं जब आपने अपनी बात प्रश्न की भूमिका रखना प्रारंभ किया था वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं। आपने कहा था कि आप चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमारी तैयारी आज प्रारंभ नहीं हुई है। हमने 2013 के चुनाव के समय से लेकर के 2018 की और 2014 के चुनाव के समय से लेकर के चुनाव के परिणाम के साथ ही 2019 की तैयारी की थी। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है, जो कार्यशैली है और हमारे नेताओं की जो मार्गदर्शन है वो हमेशा से ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार के आधार पर खड़ी हुई है, हमको पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक जो है लगातार लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के काम करने लिए काम करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए और हमने केवल उसकी दृष्टिकोण से काम किया है। इसलिए हमारी व्यापक तैयारी पिछले चुनाव के समय से प्रारंभ हुई थी। संगठन के दृष्टिकोण से भी यदि मैं देखूं तो पहले दिन से हमारा काम प्रारंभ हुआ था। जब हमने सदस्य संख्या में इजाफा करने के लिए काम किया था, तब से लेकर के आज तक हम लगातार इसी दृष्टिकोण से, इसी निमित्त से काम कर रहे हैं। नामों की सूची का जहां तक प्रश्न है, व्यापक विचार विमर्श के बाद में, कार्यकर्ताओं से व्यापक स्तर पर रायशुमारी के बाद में, उसके अतिरिक्त पूर्व पदाधिकारियों, पूर्व कार्यकर्ताओं, पूर्व जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ में भी व्यापक स्तर पर रायशुमारी के बाद में हमने ऐसे नाम तय किए हैं। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हमारे सारे प्रत्याशी जिनके नाम हमने तय किए हैं ये जीत करके आने वाले हैं। किन किन विषयों और मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि आपके जो नेता अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं और वो मात्र मुद्दा है, वो बता रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो या हिंदुत्व का कार्ड हो, भारतीय जनता पार्टी के पास में एकमात्र मुद्दा है और वो मुद्दा है विकास, विकास और विकास। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हमने जो आम मानवी के जीवन में परिवर्तन लाया उस परिवर्तन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और मैं चुनौती देना चाहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व को, सचिन पायलट साहब को, कि आज जो है
वो विकास के मुद्दे पर चुनाव पर चुनाव के मैदान पर हमारे सामने खड़े हों, हमारे साथ आकर के बात करें। ये वंशवाद के जो है मुखालफत करने वाले किस तरह से देखते हैं आप? विधानसभा चुनाव नजदीक है और 131 विधायकों की जो सूची, लोगों की जो सूची जारी हुई है, अब बीजेपी जो है अपने एजेंडे के साथ में लोगों से जन समर्थन मांगने की जो है एक कोशिश करेगी। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह साफ और स्पष्ट कहा कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं और हमारा कोई एजेंडा नहीं रहेगा। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। प्रदेश में 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए सोमवार से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। भारत वाहिनी पार्टी से घनश्याम तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। घनश्याम तिवारी से बात की संवाददाता चंद्रशेखर त्रिशूल ने। राजस्थान में आज से विधिवत चुनावी महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है और नामांकन के पहले दिन राजस्थान के तेजतर्रार कद्दावर नेता जो कि तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोक रहे हैं, घनश्याम तिवारी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। हमारे साथ है घनश्याम तिवारी। भारत वाहिनी पार्टी किस रूप में चुनौती दे रही है, आपके लक्ष्य और इरादे क्या हैं तिवारी जी? देखो, हमारा लक्ष्य और इरादा बिल्कुल साफ है। राजस्थान में 5 साल में जो तानाशाही और भ्रष्टाचार का तांडव और ढांचागत भ्रष्टाचार कायम हुआ है और उन्हीं लोगों को वापस टिकटें प्रदान की गई है, हम कोशिश करेंगे कि ढांचे को ध्वस्त करें और लोकशाही की स्थापना करें। भाजपा कहती है कि घनश्याम तिवारी कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये मुख्यमंत्री की लड़ाई है, तीसरे मोर्चे के रूप में ये कैसी लड़ाई है जो चुनौती दे रही है भाजपा को खुले रूप में? हम लोकशाही की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण तब तानाशाही के खिलाफ लड़े थे तो वो स्वयं के लिए नहीं लड़े थे। स्वयं के लिए लड़ने वाले समझौता करते हैं और जो लोगों के लिए लड़ते हैं वो संघर्ष करते हैं। हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सांगानेर सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की रणनीति अभी वेटिंग में है, आपको क्या लगता है कि कैसे कैंडिडेट आ सकते हैं सांसद? और अगर मेयर भाजपा उतारती है तो उससे कितनी बड़ी चुनौती मिलेगी? कांग्रेस कोई बड़ा चेहरा उतारती है तो आपको कितनी बड़ी चुनौती है? और भारत वाहिनी पार्टी को आप कहाँ खड़े मानते हैं राजस्थान में इस तीसरे मोर्चे के रूप में? देखिए, सांगानेर के लिए भाजपा में तो तोलमोल हो रहा है, जो ज़्यादा माल सप्लाई करेगा उसको टिकट मिल जाएगी, इसलिए रोकी गई है। और कांग्रेस का अभी टिकट जारी हुआ नहीं है। आपके भारत वाहिनी पार्टी के दरवाजे किस किस के लिए खुले हुए हैं? बगावतियों के लिए खुले हुए हैं, वर्चस्व वाले लोगों के लिए खुले हुए हैं, या वेटिंग में जिनको टिकट नहीं मिला है उनके लिए खुले हुए हैं? ये दरवाजे किस किस के लिए खुले हुए हैं? हमारे दरवाजे उनके लिए है जो लोकशाही के लिए लड़ रहे हैं, जो ईमानदार हैं, अच्छे आदमी हैं, उन लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, बेईमानों के लिए हमारे दरवाजे बंद। अगर बहुमत में भाजपा या कांग्रेस पीछे रह जाती है तो भारत वाहिनी पार्टी किसके साथ खड़ी होगी? भारतीय जनता पार्टी, भारत वाहिनी पार्टी खुद ही राज बनाने की कोशिश करेगी, उनसे समर्थन मांगेगी। भारत वाहिनी पार्टी राज बनाने की बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी, और घनश्याम तिवारी ने आज जो नामांकन पहला दर्ज किया है कहीं ना कहीं एक चुनौती पेश कर दी है। अब आगे देखना होगा कि तीसरा मोर्चा कितनी चुनौती पेश कर पाएगा और इन चुनावों में कहां खड़े रह पाएगा। कैमरा पर्सन दिनेश पारिक के साथ मैं चंद्रशेखर त्रिशूल, न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के अनुसार हनुमानगढ़ सीट से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं टिकट फाइनल होने पर डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर बधाई देने वालों और कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पिछले चुनाव में डॉक्टर राम प्रताप ने कांग्रेस के विनोद कुमार को भारी मतों से शिकस्त दी थी। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर होगी, जिसमें कांग्रेस से पूर्व विधायक शाले मोहम्मद लगभग तय है, लेकिन भाजपा से आधा दर्जन उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिससे दो नाम प्रमुख हैं, महंत प्रतापपुरी, आनंद सिंह राठौर। इन दोनों नामों पर आलाकमान मंथन कर रहा है, जिस कारण भाजपा खेमे में मायूसी छाई हुई है। भाजपा द्वारा उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद ही राजनीति में और कांग्रेस से खफा चल रहे दिग्गज भाजपा की ओर आने का अभियान शुरू होगा। अभी तक शांति बनी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया भी बूंदी विधानसभा अपना प्रत्याशी खड़ा
करेगी। एसडीपीआई ने बूंदी विधानसभा से अनीस अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं हड़ोती में एसडीपीआई चार जगह से चुनाव लड़ेगी। सोशल डेमोक्रेसी पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से बूंदी की जनता दुखी हो चुकी है। बूंदी में तीसरे मोर्चे की जरूरत को देखते हुए एसडीपीआई चुनाव मैदान में है। जयपुर में रविवार देर रात गांधी नगर थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक रसोई जादे से पुलिस ने बदतमीजी और अभद्रता की। पुलिस ने रामबाग सर्किल के पास युवक प्रखर शर्मा को रोका था, जब वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई, जहां उसने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद आरोपी के पिता ने अपने बेटे को सबक सिखाते हुए पुलिस से अभद्रता को लेकर पीटा। फिलहाल गांधी नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। भरतपुर में सोमवार को दिल्ली से आई एमसीआई टीम ने जिला आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने अस्पताल के मेडिकल वार्ड, आईसीयू वार्ड सहित कई वार्डों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद टीम ने पीएमओ कार्यालय में बैठक की, जिसमें अस्पताल की खामियों और विशेषताओं पर चर्चा की गई। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। वहीं जैसलमेर में गुजरती पर्यटकों की भारी संख्या में पहुंचने से जैसलमेर मिनी गुजरात बना हुआ है। दरअसल गुजरात में दिवाली से लेकर लाभ पंचमी तक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहता है, इससे दिवाली के समय से ही गुजराती पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। साथ ही यहाँ विदेशों से भी पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। बूंदी में हिंडोली से कोटा की ओर कंटेनर अवैध तरीके से गोवंश को भरकर ले जा रहे तस्करों को बूंदी की टनल के निकट पकड़ लिया। वहीं कंटेनर करीब 38 गोवंश भरे हुए थे, जिसमें से दो बछड़ों की मौत हो गई। वहीं हाईवे पर पुलिस को देखकर ड्राइवर और खलासी कंडक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर तस्करों की शुरुआत कर दी है। पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में आयोजित सीडब्ल्यूई चैंपियनशिप के दौरान महिला रेसलर रोबेल का चैलेंजर स्वीकार करना अभिनेत्री राखी सावंत को महंगा पड़ गया। महिला रेसलर रोबेल ने अभिनेत्री राखी सावंत को कंधे पर उठाकर जोर से नीचे पटक दिया, जिससे वह चोटिल हो गई। करीब 5 से 8 मिनट तक राखी रिंग के बीच ही दर्द से तड़पती रही, लेकिन न तो दर्शक कुछ समझ पाए और न ही सीडब्ल्यूडी चैंपियनशिप के कार्यकर्ता। कुछ देर बाद जब आयोजकों को चोटिल होने की भनक लगी, तो वह राखी को कंधे के सहारे रिंग से बाहर लेकर आए और अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नोटबंदी के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ के आरबीआई इमारत के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी अजय कुमार ने कहा कि नोटबंदी से जिस तरह लोग परेशान हुए और महीनों लाइन में लगे, साथ ही पीएम ने नोटबंदी कालाधन वापस लाने के लिए बंद किया था, लेकिन अभी तक कोई भी कालाधन वापस नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संगठित लूट किया है, इस देश को ठगा है, छलने का काम किया है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट पहुंचाने का काम किया है। आज देश की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन तेजी के साथ गिरती जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नोटबंदी करके ये कहा था कि देश में आतंकवादियों और नक्सलवादियों के पास जो काला धन है वह समाप्त हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से
ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। जहां तक इन लोगों ने कैशलेस की व्यवस्था शुरू की, आज कैशलेस में मात्र 4% इजाफा हुआ है। ये सरकार देश को संगठित लूटने का काम की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दिनेश शर्मा ने बताया कांग्रेस के पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। वहीं बोर्ड एग्जाम की तिथि को बदलने के लिए साफ इनकार किया है। विकास की गंगा आसपास बही है और अगर आप वहां देखेंगे कि चारों तरफ जिस शहर में प्रवेश करने में कई कई घंटे का संघर्ष करना पड़ता था, मात्र हवाई अड्डे से आप 45 मिनट में शहर में प्रवेश कर जाएं कहीं भी जाने के लिए, और चारों तरफ चाहे घाटों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे हॉस्पिटल्स का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, सभी जगह आमूलचूल पर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया कर रही है। जहां इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। वहीं आजमगढ़ के साथ ही कुछ और जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में राजनीति शुरू हो गई है। वहीं सरकार के सहयोगी दल ही इसके विरोध में उतर आए हैं। देखिए, जब सरकार विकास के किए गए वादों से चुनाव में जो करती है उससे भटकती है तो इस तरह की उलझुल झुलझुल हरकतें करती है, और इसमें वो ये भी भूल जाती है कि वो जो करने जा रही है उससे उस व्यक्ति की महिमा घट रही है या बढ़ रही है। मसलन अयोध्या का नाम फैजाबाद को बदल के अयोध्या कर दिया, जबकि अयोध्या पहले से था। चलिए कोई बात नहीं, फैजाबाद आपने कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने भगवान राम की महिमा घटा दी। सरकार इसके बहाने जनता को असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। नाम बदल देने से आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक मानसिक संतुष्टि के लिए मैं मानता हूं कि चलिए ठीक है, आप ये नाम बदल रहे हैं, लेकिन वास्तव में नाम बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में मंडोला के किसान पिछले करीब एक साल से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें मंडोला आवासीय योजना के तहत सही मुआवजा नहीं मिला, जबकि उनके जमीनों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। इसी मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत है। किसानों के इस धरने पर कई बड़े नेता आ चुके हैं। गाजियाबाद के लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर भी सोमवार को मंडोला गांव पहुंचे, लेकिन किसानों के धरने पर वो नहीं पहुंचे। इसी बात पर किसानों ने उनका विरोध कर दिया। काली पट्टी और काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। यही नहीं, किसानों द्वारा सड़े टमाटर भी गाड़ी पर फेंके गए। आज किसान सत्याग्रह आंदोलन मंडोला ने हमारे आए विधायक का विरोध किया, जिसके चलते किसान काफ़ी दुखी थे। किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़े हुए टमाटर, मूली आदि से उनका स्वागत किया उनके रस्तों पर डाल के। चूँकि किसान जब अपनी यात्रा लेकर निकल रहे थे, उन्होंने अपने गुर्गो के साथ अपने कार्यकर्ताओं से हमें काले झंडे दिखाए थे। क्या एक पार्टी का नेता किसानों को काले झंडे दिखाएगा? किसानों ने आज अपना विरोध अपना वापस किया, क्योंकि काले झंडे के बदले काले झंडे और उनका स्वागत तो बनता ही। आज हमने नंद किशोर का इतना अच्छा स्वागत करा टमाटरों से, मूलियों से, कि सारा भांड लिया और हमारी महिलाओं ने। और ये नंद किशोर वही नंद किशोर है जो समाजवादी पार्टी में ये कहता था कि इन फ्लैटों में भूस भर दो। आज वहाँ उनके दलालों से मिलकर अपने आप को भी खुद दलाल बना रहा। वहाँ दलालों से मिलकर उन्होंने जो वहाँ करा, यहाँ धरने पाने में क्या जरूरत, उसे धरने पर नहीं आना था, लेकिन धरने पर नहीं आया। 24 महीने हो गए, उसने खैर खबर नहीं ली। आज वहाँ दलालों में 10 आदमियों में जाके समृद्धि के प्रतीक सूर्य देव के पूजन का पर्व छठ को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में तैयारियां जोरों पर है। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि छठ पूजा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, तो वहीं हिदायत के बाद प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में तैयारियां चल रही हैं। सूर्य देव के पूजन का पर्व छठ पूजा की तैयारियां राजधानी लखनऊ में जोरों पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर साफ सफाई और वेदी जो जहां पे बैठ के औरतें पूजा करेंगी, महिलाएं पूजा करेंगी,
वो सारी चीज़ें यहाँ पर नेचुरल तरीके से बनाई जा रही हैं, देख रेख में बनाई जा रही हैं। वहीं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छठ पूजा को लेकर के कड़े निर्देश दिए हैं, तो प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। तो 11 तारीख से शुरू होने वाली छठ पूजा का आयोजन 14 नवंबर को डूबते सूर्य को अग्नि देकर महिलाएं करेंगी। महिलाएं ये पूजा, ये व्रत निर्जला रहकर अपने पतियों की और बेटों की लंबी आयु के लिए करती हैं। कैमरामैन अंकित के साथ मैं आदर्श सिंह, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बांदा में दबंगों के आतंक का मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर एक मकान में घुसकर महिलाओं सहित 3 युवकों से मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमले में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो आया है, आके सीधे मारना शुरू कर दिया गाड़ी रोक करके। अब बस मारते निकाला तमंचा फायर मारने के लिए, तो मैंने जान बचाया, तो तमंचा गिर गया है उसका। तो फिर मैं जान बचा के भागा हूँ, तो तमंचा लेके मेरे पीछे भागा है, मेरे द्वारे में 3 फायर मारा है और घर में घुस के मुझे मारे डाल रहा था। घर शाम की बात है, एक मामूली से लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसमें एक व्यक्ति ने हवाई फायर भी किया। उसके अलावा मारपीट की घटना भी हुई है, उसमें जो तहरीर थी उसके आधार पे सम्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 452, 323, 504, 506 और 286 जो हवाई फायर के लिए धारा लगाई जाती है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी। देखिए, जब भी घटना होती है पुलिस के द्वारा हमेशा त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए घटनास्थल पर पहुंचा जाता है, पीड़ित को मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जाते हैं। वही इस घटना में भी किया जा रहा है शीघ्र। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ से सटे केडिया भट्टे पर जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने हंगामा बोल दिया और जमकर उत्पात मचाया। ये दबंग अपनी जमीन भट्टे से सटे हुए हिस्से को बताए हुए वहां पर खंबे गाड़ने लगे। जब भट्टे मालिक ने आपत्ति जताई तो दबंगों के साथ आए 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडे बरसाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने बीच बचाव किया तो उसमें से एक युवक को राइफल की बट से घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राइफल को लोड भी कर ली थी, मगर लोगों की दखल की वजह से कोई घटना नहीं हो सकी और भट्टा मालिक ने भागकर अपनी जान बचाई। ये अशोक गुप्ता और उनके आदमी, ये विवाद बहुत दिन से चल रहा है। अशोक गुप्ता ने 3 बार इसकी नपाई कराई है, जो कि उनकी जमीन रोड में समाहित हो चुकी है। उसके बाद आज ये जबरन कब्जा करने आए और इन्होंने अशोक प्रमोद गिरी से इन्होंने जमीन खरीदी और जो कि ये दाखिल खारिज के लिए आज 2 साल से परेशान है। इसके बाद इनको इनकी दाखिल खारिज नहीं हो पाई और दाखिल खारिज इसलिए नहीं हो पाई चूँकि रोड जमीन में जा चुकी है, इसलिए दाखिल खारिज हो भी नहीं रही। विवाद क्या है, यहाँ पे लद्दा गाड़ रहे थे और हमारे वहाँ बानुआ किला था। कौन? रजुल्ला। तो उसने लद्दा बेंगा तो उसको मारने लगे, मेरे पास खबर गई तो मैं आया, मेरे ऊपर राइफल तान दी और घोड़ा चढ़ा हुआ है और मेरे पास 6,000 रुपये का बकरा बेच के भी आया था, मैं घोड़ा खरीदने जा रहा था। हाँ, पता नहीं निकाल लिया है कि गिर गया, ये नहीं मैं बता सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कपड़े की दुकान में लगी आग के चलते लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंचे दमकर्मियों ने लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।